Hi guys, welcome all to Living the Lala Life. This is Ajis Lala and I'm going to tell you now what to do if you want to score the best rank in IMC 2024. Let's go. 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you, I love you, I love you. कमिंग टू द मेन क्वेश्चन फर्स्ट, जो आप सारे ट्वेल्थीज में से पूछते रहते हो बार बार कि सर पहले स्पॉन्सरशिप का एग्जाम देना है या पहले IMACET का एग्जाम देना है, ऐसा कुछ नहीं होता. टू बस्ट ऑल योर मिथ्स, स्पॉन्सरशिप पहले भी हो सकती है IMACET के, स्पॉन्सरशिप बाद में भी हो सकती है, ठीक है. तो अटेम्प्ट अपन को दोनों से करना है. नाउ मोस्ट ऑफ यू विल बी आस्किंग मी कि सर मैं क्या करूं, मतलब तैयारी कब चालू करूं मैं. वर्चुअली यू हैव ओनली 6 months राइट नाउ, 6 महीने भी अब अक्टूबर से गिनना चालू करूंगा तो मार्च तक आ जाएंगे, ठीक है. एंड टू बी ऑनेस्ट, जनवरी से आपको बोर्ड्स की तरफ ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा. दिस इज द ओनली टाइम नाउ यू कैन रियली प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज योर IMACET एज वेल एज स्पॉन्सरशिप. नाउ यू नीड टू कंसिडर ऑल 3 स्फीयर्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, आपने अगर सोच लिया है कि इफ यू रियली वॉन्ट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, 3 चीजों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. पहला है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, ट्राई टू स्कोर मोर देन 75% एट लीस्ट. आजकल सबको बोर्ड्स में मार्क्स ना बढ़ रहे हैं तो सबके 80-90% आ रहे हैं, तो कंपटीशन आपके पास वाला है ना, सबका परसेंटेज ज्यादा हो गई, तो ट्राई टू स्कोर एज मच एज पॉसिबल. 75 से ज्यादा तो लाने का कोशिश करो ही करो PCM में एंड इंग्लिश में भी, ठीक है. अब PCM के बाद, बोर्ड के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉलेज, स्पॉन्सरशिप की जो नॉलेज है एंड इवन IMACET की. ये दोनों IMACET एंड स्पॉन्सरशिप शुड गो हैंड इन हैंड विद योर बोर्ड एग्जामिनेशन. अब स्पॉन्सरशिप में क्या प्रोसेस, में आपको क्या तैयारी करनी है, शिप नॉलेज यू शुड नो वेरी वेल, ज्योग्राफी यू शुड नो वेरी वेल, PCM का रिटर्न के लिए आपको नॉलेज अच्छा चाहिए एज वेल एज ओरल के लिए. लेकिन क्या क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन बहुत बेसिक है लाइक आर्क्यूमेडिस प्रिंसिपल, टॉर्सेलीज थ्योरम, ये सारे क्वेश्चन हो गए टेक्निकल क्वेश्चन. नॉन टेक्निकल क्वेश्चन की भी आपको बहुत अच्छी तैयारी होना चाहिए. तो 2024 में वॉट डू यू रियली नीड टू प्रिपेयर, यू नीड टू गो फॉर 3 थिंग्स एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर. तो इन तीनों बेसिस को कैसे मैं प्रॉपरली कवर कर सकता हूं एज अ 12th क्लास स्टूडेंट, यू नीड टू स्टार्ट नाउ. आपको अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा, यू नीड टू क्रिएट अ माइंड मैप फॉर योर सेल्फ कि कैसे मैं 12th को हैंड इन हैंड लेते चलते चलते IMACET का भी प्रिपरेशन करूं एंड स्पॉन्सरशिप का भी करूं. IMACET आपका जून जुलाई के अराउंड हो जाएगा. यू थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट, बट स्पॉन्सरशिप के एग्जामिनेशंस एंड फॉर्म्स आपके फरवरी मार्च से चालू हो जाएंगे एंड एग्जाम्स विल रियली बी कंडक्टेड अराउंड अप्रैल. जस्ट बोर्ड्स के बाद आपके एंग्लोएशन के रिटर्न के एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे. सो गाइज, डोंट वेट नाउ. जनवरी फरवरी में आते आते आपको बोर्ड्स का ज्यादा रगड़ना पड़ेगा, आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, रिविजन करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे. तो क्वेश्चन इन योर माइंड मस्ट बी कि अब मैं कैसे प्रिपरेशन करूं. सो यू रियली नीड अ माइंड मैप और अ रोड मैप फॉर दैट. सो इफ यू वांट अ प्रॉपर रोड मैप कि इन 6 महीने में कैसे बेस्ट यूटिलाइज करूं मैं अपना टाइम, स्पॉन्सरशिप को भी दूं, IMACET को भी दूं, बोर्ड एग्जामिनेशंस को भी दूं विद अ प्रॉपर स्केड्यूल, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, देन आई विल गिव इट टू यू ऑल एक प्रॉपर तरीका कि कैसे मैं ये तीनों चीजें कवर कर सकता हूँ. टिल देन, इफ यू हैव एनी डाउट्स, कॉन्टैक्ट दिस नंबर, नीचे दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आपको लिंक्स मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप के, व्हाट्सएप ग्रुप के, ज्वाइन दोस ग्रुप्स, एक फॉर्म भी का लिंक होगा उसको भरो, सो वी कैन इजीली रीच आउट टू यू. बट इफ यू रियली वांट टू नो द प्रॉपर स्केड्यूल कि कैसे क्या चीज को अगले 6 महीने को बेस्ट यूटिलाइज किया जाए, राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन कि सर आई वॉन्ट द स्केड्यूल. ओके, आई विल सी यू, बाय बाय.